वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास आई है थंडरबर्ड एक्स, तो जिसकी प्रॉब्लम है ऑयल पंप की। तो गाड़ी हमारे पास आई है, गाड़ी ठंडी में कोई आवाज़ नहीं करती, जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो तब आवाज़ करती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए गाइस, ओके दिखाते हैं आपको। वो देखिए, वो बड़ी गाड़ी साथ में, तो उसे चेक करना, खोलना, चालू करते। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये देखिए आज हमारे पास आई है थंडरबर्ड एक्स, तो इसके इंजन में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको सुनाते हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ये देखिए किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो इसको हमने बंद करना है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसका ऑयल का प्रेशर नहीं आ रहा, तो हम इसको खोलते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत है, और आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। तो करना चालू करते हैं इसको हम। ये देखिए, जो हमने ये पूरा सामान सारा खोल दिया है, तो इसके अंदर दिक्कत क्या थी, ऑयल पंप की। ऑयल पंप की जो है अपने प्रेशर कम था, इसके अंदर जो टक्टर टक्टर की आवाज़ कर रही थी वो इसकी वजह से कर रही थी। ऑयल का प्रेशर पूरा जा नहीं रहा था, जो इसके हाइड्रोलिक है वो खाली रहते थे, जो इसके अंदर आवाज़ देखी थी अपनी, जो टक 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 की आवाज़ आ रही थी वो इसीलिए था कि ऑयल का जो प्रेशर है पूरा फेंक नहीं रही थी, तो इसलिए उसके हाइड्रोलिक खाली रहते थे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये ऑयल पंप है ना, ये चेंज करना पड़ेगा। ऑयल पंप हम दूसरा ले आए हैं फिलहाल, वो पड़ा, तो हम इसका ऑयल पंप खोल के चेंज करते हैं इसका। तो हम आगे दिखाते हैं आपको प्रेशर कैसा रहेगा, और टक टक की आवाज़ जो आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो चलिए गाइस खोलते हैं बराबर, फिर आपको दिखाते हैं इसमें। इसका एक पेच अंदर है, तो हमें इसकी गरारी निकालनी पड़ेगी ये वाली। ये देखिए, हमने इसका ऑयल पंप खोल लिया, जो हम दूसरा लगाएंगे इसके अंदर। तो ऑयल पंप का क्या कमी निकल गई इसके अंदर, तो ये प्रेशर है ना ऑयल का, वो बहुत कम है, तो इसी वजह से हम ये इसका ऑयल पंप चेंज कर रहे हैं, दूसरा लगाते हैं इसका ऑयल पंप। तो ऑयल पंप के प्रेशर की होगी, क्योंकि गाड़ी जब गर्म होती है ना, तो ऑयल पंप जो होता है प्रेशर कम फेंकता है, तो इसलिए आवाज़ आनी शुरू होती है टक 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 टक। तो आपको हमने जो आवाज़ सुनाई थी वो गर्म गाड़ी में सुनाई थी, तो दोबारा गर्म करके फिर आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि यहाँ भी कितनी देर तक स्टार्ट है गाड़ी और कितना प्रेशर फेंक रही थी। तो अभी हम नया ऑयल पंप लगाते हैं इसका दूसरा, फिर आपको एक बार चेक कराएँगे इसमें कि आवाज़ की कितना प्रेशर आ रहा ऑयल का, कितना नहीं आ रहा। आपको तो पता ही नहीं होगा कि ऑयल की वजह से भी कभी कभार आवाज़ कर जाती है बुलेट, जो टक 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 की आवाज़ कर रही थी इसके अंदर। एक ऑयल पंप का प्रेशर जब ऊपर प्रॉपर जाएगा नहीं, गर्म गाड़ी जब ऑयल का प्रेशर चलता रहता ना गर्म गाड़ी में, तो प्रॉपर ऑयल का प्रेशर नहीं जाता, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती कि यहाँ भी ऑयल का प्रेशर पूरा नहीं जा रहा। रोक रोक जब तक ऑयल का प्रेशर पूरा जाएगा तो आवाज़ साइलेंट रहेगी, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बहुत कम। और इसके अंदर जब ऑयल का प्रेशर अब कम आ जाएगा तो आपको पता ही आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसके ऑयल पंप डाल रहे हैं इसका, या अभी इसका प्रेशर बरकरार रहे, है क्या नहीं। ऑयल का प्रेशर बरकरार रहेगा तभी तो आगे कामयाबी होगी। चलिए इसको पैक करते हैं फटाफट, फिर आपको ऊपर से चेक कराते हैं कि अभी कितना प्रेशर आ रहा है ऑयल का, है क्या नहीं। ये टाइम एक गरारी लगाते हैं इसकी टाइमिंग की। हाँ
टाइमिंग की गड़बड़ी हमारी लग गई है इसके अंदर। अब इसकी जो प्लेट है ये लगाए थे इसके ऊपर, ऑयल पंप हमारा लग गया। चैम्बर तो हमारा पैक हो चुका है, तो ये अभी हमने स्टार्ट तो करी नहीं गाड़ी, तो इसकी हेड की जो बेडिंग है ना ये भारी होती है काफ़ी, क्योंकि जेन्युइन होती है ना ये, तो हम इसको यहाँ लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और ये दूसरी भी निकाल लेते हैं इसके अंदर से, ये दूसरी भी निकाल ली हमने और यहाँ लगा दिया इसको ऐसे, और चाबी ऑन करके स्टार्ट करते हैं इसको। दबाना पड़ेगा क्लच, हमने साल भर ऑयल का प्रेशर चेक करते हैं, आ गया ऑयल का प्रेशर सही है वैसे तो, हल्की सी रेस तेज कर देते हैं इसकी। फिर भी ऑयल का प्रेशर सही है, थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ देते हैं, पता चल जाएगा कितनी आवाज़ आ रही है कितनी नहीं आ रही, थोड़े से ये भी बढ़ जाएंगे ना इसके हाइड्रोलिक, तो स्टार्ट रहने देते थोड़ी देर के लिए, इसको दोबारा चेक करते हैं कि आवाज़ बंद होगी कि नहीं इसकी। आपको लग नहीं रही बिल्कुल भी आवाज़ के अंदर, बिल्कुल साइलेंट हो गई है, अगर थोड़ी देर से स्टार्ट छोड़ देते हैं फिर देखते हैं कि आवाज़ बढ़ती कि नहीं बढ़ती। एकदम ओके हो चुकी है, इसको पैक करते हैं फिर दोबारा आवाज़ सुनते हैं इसकी। ओके बराबर से पैक करते हैं पहले। इसलिए आवाज़ आती है क्योंकि ऑयल का जो आपको पता रोकर है जो ऊपर, उसको प्रेशर चाहिए होता प्रॉपर हाइड्रोलिक खाली ना हो। तो एक बार आप आइए इधर कैमरा भेजिए, मैं आपको चेक कराता हूँ कि आवाज़ देखिए आ रही कि नहीं आ रही। देखिए बिल्कुल ही स्लो ही आवाज़ है, एक बार रेस देके भी आपको चेक करा दें, पहले आवाज़ में और अब आवाज़ में कितना फ़र्क है।
ना कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है गाड़ी, एकदम ओके रिपोर्ट, जो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। तो सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ओके बाय।